Hi students, welcome back in your UPS WhatsApp in classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous whole videos, you learned about computers. Yes, it was your first chapter. In that chapter, you learned about data and information. Some types of computers and how to connect two or more computers together, something about network and internet and some uses of computer. Today you are going to learn your second chapter, hardware and software. Yes, it is not a new part to you. You already learned about hardware and software in the previous class. Friends, as you know that a computer has many parts or devices like CPU, monitor, keyboard, mouse, printer and scanners, etc. We cannot make a computer work by just connecting its parts. Yes, if we have these parts like CPU, monitor, keyboard, mouse, printer and scanner, but we cannot do our work on it because we need to give it instructions on how to do task. Yes, to do work on computer, we need to give it instructions on how to do task. And we give these instructions through computer program. You already learned about program in previous classes like notepad program, calculator program, wordpad program, etc. So we give these instructions through computer program. A device, what is device? A device is something that is made to do job. Yes, a device is something that is made to do job or work. The parts of computers and the devices used with computers are called hardware. And you already learned about it in the previous class. The parts of computer that can be touch or feel is called hardware, and the parts of computer that cannot be touch or feel is called software. Here the parts of computer and the devices used with computers are called hardware, and the programs that run on computer are called software. बच्चों अब हिंदी में समझें। अपने पिछले सभी वीडियो में आपने अभी तक पहला पार्ट कंप्यूटर्स उसको पढ़ा और उसमें आपने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जाना, साथ ही कंप्यूटर के कुछ प्रकार जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन सब के बारे में जाना, साथ ही आपने यह जाना कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कैसे हम जोड़ सकते हैं, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, और साथ ही आपने यह जाना कि कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर की अलग अलग उपयोगिताएं हैं, उनके बारे में आपने जाना। आज आप अपने दूसरे पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है,
इसके बारे में आप अपने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब कुछ और जानते हैं। अब कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स। कंप्यूटर में कई अंग होते हैं, उसके कई डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सीपीयू, जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी इसके पार्ट्स हैं, अंग हैं। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास ये पार्ट्स ही हैं सिर्फ, तो हम सिर्फ इन पार्ट्स के मदद से कंप्यूटर पर किए जाने वाले कार्यों को, काम को नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंप्यूटर पर काम करने के लिए उसे निर्देश देने की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए आपने एक नौकर को रखा है, तो जब तक आप उसे निर्देश नहीं दीजिएगा, तब तक वह कोई काम नहीं करेगा, वो बैठा हुआ रहेगा। आप जब आप कोई काम देंगे तब वो करेगा और वो फिर बैठ जाएगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारा एक नौकर है, हमारा दोस्त है, जो कहें उसको हम जब निर्देश देंगे तभी वह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वी नीड टू गिव इट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डू टास्क। हमें इसको निर्देश देने की आवश्यकता होती है कि क्या काम करना है। जैसे वन और वन से हम लिख करके दे देंगे तो ये नहीं समझेगा कि क्या करना है। हम क्या करते हैं, बीच में प्लस का साइन देते हैं और तब एंटर बटन दबाते हैं या फिर इक्वल टू का बटन दबाते हैं, तब यह समझता है कि वन में वन को ऐड करना है और तब उस पर वह काम करता है और हमें परिणाम देता है, रिजल्ट देता है टू। सो वी नीड टू गिव इट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डू टास्क। हमें किस तरीके से काम करना है इसके लिए इसे निर्देश देने की जरूरत होती है। We give these instructions through on a through computer program। हम इसको जो निर्देश देते हैं वह प्रोग्राम के माध्यम से देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको 1 plus 1 करना है तो इसके लिए आप किस प्रोग्राम को ओपन करेंगे। जी हाँ, आपने सही कहा, इसके लिए आप कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन करेंगे। अगर आप पेन प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो उसमें आप ये कैलकुलेशन का काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कैलकुलेटर प्रोग्राम ओपन करना होगा। अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन नहीं करेंगे, इसको ओपन करेंगे, पेन प्रोग्राम को ओपन करेंगे। तो वी गिव दी इंस्ट्रक्शन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। हम ये निर्देश कंप्यूटर को प्रोग्राम के माध्यम से देते हैं। अब हम जानते हैं डिवाइस के बारे में। डिवाइस क्या है? ए डिवाइस इज समथिंग दैट इज मेड टू डू जॉब। डिवाइस कुछ है जो हम अपने काम करने के लिए उसको बनाते हैं। नाउ अब हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में जान चुके हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अब एक दूसरे रूप में इसके परिभाषा को, डिफिनेशन को हम समझते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेस यूज विद कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे अंग जो कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और जो प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर चलाया जाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर पार्ट्स हो गए, क्योंकि ये कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाते हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब प्रोग्राम्स का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे कैलकुलेटर प्रोग्राम, नोटपैड प्रोग्राम, वर्डपैड प्रोग्राम, पेन प्रोग्राम और भी ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। बच्चों अब आप अपने एसडब्ल्यू को समझे। राइट द आंसर। फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी फाइव पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के किसी पांच अंगों के नाम लिखें।
व्हाट डू वी नीड टू डू टास्क ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, थ्रू व्हाट वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, किस चीज के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डिवाइस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चों ध्यान से आज के वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए और उसके बाद आप अपने एसडब्ल्यू में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इनका आंसर आज के क्लास में ढूंढने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं जरूर ही आप आंसर प्राप्त करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।